The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है. कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें. किस चीज को लेके आज मीटिंग बुलाई गई थी और कौन कौन मौजूद थे और क्या कारण थे भी मीटिंग के लिए? सर, आज हाउस की मीटिंग थी जो शहर के विकास कार्यों के लिए सारे का रुके हुए हैं, नक्शे रुके हुए हैं, इसके लिए हमने बजट के लिए ये मीटिंग बुलाई थी. और ये मीटिंग पिछले 9 महीने से नहीं हुई है. लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं. हमने सचिव की इजाज़त से ही मीटिंग डेट फाइनल करी थी 17 तारीख, लेकिन वो आए तो नगर पालिका में 11:10 तक मौजूद थे, लेकिन उसके बाद 11:40 पे वो अचानक चले गए. हमने सिर्फ नोटिस भेजा कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और इसका कोई कारण नहीं बताया गया. कोई विकास कार्य चल ही नहीं रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में शहर में. जो होने चाहिए मीटिंग में ही पास होने थे, टेंडर लगने थे, वो कुछ भी काम नहीं हो पा रहे सिर्फ मीटिंग में होने के लिए. क्या कुछ नक्शों को लेकर भी बात थी? हाँ जी, नक्शे पास होने थे, 200 के करीब नक्शे हैं जो पास होने थे, जो हुए नहीं है. और जो पेमेंट है की गई है उसमें टाइम में, तो उसके बारे में क्या कहना होगा? हाँ जी, हमने सभी पेमेंट नियम के अनुसार एमए और सचिव और ऑडिट होने के बाद करी है. हमारे सामने कोई टेंडर नहीं पास हुआ है और जो भी पेमेंट हुई है वो सारी जगदीप कौर की अध्यक्षता में पास हो चुकी है. जो अभी जिस टाइम उनको नहीं जी, इसमें कोई टेंडर पास तो जितने भी टेंडर पास हुए हैं तो क्या जो टेंडर पास हुए हैं जगदीप कौर के सामने ही पास हुए हैं और उन्हीं की पेमेंट हुई है कार्य पूरे होने के बाद. तो अभी कितने कार्य रुके हुए हैं सर? सारे कार्य में तो कोई कार्य, अगर आज भी मीटिंग नहीं हुई, हम आगे तक जाएंगे. हम शहर की जनता के साथ हैं और हम अपना पूरा सहयोग देंगे मिलकर 10 पार्षद, कि जो भी काम हम कर सकते हैं शहर की जनता के लिए वो करेंगे.